पाकिस्तान के हुक्मरानों की नीति और नौबत दोनों खराब हो रहे हैं। शायद इसीलिए पाकिस्तान के आज ये हालात है, ना तो आर्थिक स्थिति अच्छी है और ना ही दुनिया में उसकी कोई पूछ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को मुश्किल से बाहर आने का रास्ता खुद ही खोजना होगा। हालांकि पाकिस्तान की जनता अभी भी इसी उम्मीद में है कि पीएम मोदी पाकिस्तान को बचा लेंगे। आतंकवाद की कीमत चुका रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान की उम्मीदों पर जयशंकर ने फेरा पानी। पाकिस्तान्स फ्यूचर इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय पाकिस्तान्स एक्शंस एंड बाय पाकिस्तान्स चॉइसेस। आई मीन नोबडी रीचेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन सॉर्ट ऑफ सडनली एंड विदाउट कॉज। So it is for them to find a way out. Our relationship today is not one, you know, where we can be relevant directly to that process. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदों पर किसी झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान की जनता जो इस उम्मीद में थी कि कुछ चमत्कार होगा और भारत से आर्थिक मदद मिलेगी और पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें दूर होंगी, लेकिन एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, पाकिस्तान को खुद अपनी मदद करनी होगी। भारत के इनकार के बाद भी पाकिस्तान की जनता भारत के भरोसे ही है। दिया है कि उनके साथ हम ट्रेड करें और ट्रेड के थ्रू ही हम डॉलर को नीचे ला सकते हैं। यहाँ पे खुशहाली होगी, ट्रेड होगी तो यहाँ के जो सूरत हाल है, यहाँ के हालात हैं जो वो बेहतर होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो भी नेबरिंग कंट्री है वहाँ उनके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। और पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने का रास्ता वहाँ की जनता तो जानती है, लेकिन वहाँ की सरकार शायद नहीं जानती। भारत ने पिछले साल जिस तरह से श्रीलंका को आर्थिक संकट में मदद दी थी, उसी तरह से पाकिस्तान को भी मदद मिल सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ना जाने किस अकड़ में है। पाकिस्तान भारत से मदद के लिए किस मुंह से कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान बखूबी जानता है कि भारत में आतंकवाद प्रायोजित करने में उसने जितना वक्त और पैसा खर्च किया है, उतनी मेहनत अगर हिंदुस्तान से संबंध सुधारने में कर लेता तो पाकिस्तान आज कंगाली में नहीं जी रहा होता। लाल बत्ती जो है वो दिखा दी गई है। ये 200 रुपए तक ही जाएगा, मरेंगे हम और क्या करेंगे। इनको तो अपने केसों की बड़ी, हम क्या करें, हमारा क्या कसूर है। 30 रुपए 120 रुपए मिल रहा है, लेकिन वो आटा खाने वाला नहीं है। खाने का मतलब ये बीमार बंदा हो जा रहा है, तो बेहतर यही है कि बंदा 10-20 रुपए ज्यादा खर्च ले। जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा है। ये आटा तो लेना मुश्किल हुआ है, क्या करें। 140 अब तो मिल रहा है। पाकिस्तान आज जिस भी हालात में है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आतंकवाद। अगर पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री ना होता तो शायद वो मुल्क भी भारत की ही तरह तरक्की कर रहा होता। पाकिस्तान ने आतंकवाद का जो बीज बोया, अब उसी का नतीजा है कि उसको आर्थिक मदद पाने के लिए एड़ियां घिसनी पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।